रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध रूप से औद्योगिक इकाइयों को सील करने का सिलसिला जारी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम लगातार जो सील की कार्रवाई है वो किए हुए है। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम का अधीन आने वाला रामनगर इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई जो है नगर निगम द्वारा वो की जा रही है। आपको बता दें कि डीएसआईडीसी से द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी कि कौन कौन से जो इकाइयां हैं जो रिहायशी इलाकों में चल रही हैं, उनके बाद अब इनको यहां पे नगर निगम अलग अलग तरीके से सील कर रहा है। पूरी दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई लगभग जारी है और इसी के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो औद्योगिक इकाई थी जो कि रिहायश इलाके में चल रही है उसको सील किया गया है। नगर निगम के मुताबिक अभी इस तरह के औद्योगिक इकाइयों को पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस दिए जाने के बाद उनको समय दिया जाता है कि आप निर्धारित समय के अंदर अंदर अपना जो उद्योग धंधा बंद करके उसको खाली कर दें। लेकिन कई ऐसी इकाइयाँ हैं जिनको खाली नहीं किया गया है, जिनका उद्योग बंद नहीं किया है, जिसके बाद वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा ताला लगा के वहाँ पर सील लिख दिया गया है और उसके आगे नंबर भी लिख दिया गया है जो कि यहाँ की प्रॉपर्टी का नंबर है। तो ये सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पे जारी है और क्योंकि नगर निगम की तरफ से इस तरह की इकाइयों को सील किया जा रहा है जो कि रिहायशी इलाकों में चल रही है और लगातार, क्योंकि नगर निगम ने पहले ही साफ कर दिया था कि जनवरी माह से ये सीलिंग की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल अभी इस तरह की कार्रवाई विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से की जा रही है क्योंकि डीएसआईडीसी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ जो रिहायश इलाके में चल रही थी वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आने वाले तहत आने वाले शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ दोनों ही जोन इस सीलिंग की कार्रवाई को जोर शोर से अलग अलग इलाकों में अलग अलग दिन कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।